मुबारक अंकल, मेरा घर में सांप घुस गया है। अच्छा, आप ही फोन किए थे? हाँ। अच्छा आप ठीक है, चलिए तो देखते हैं कहाँ पर सांप है। उधर उधर चलिए। ओ बता रहे थे कि कहीं छाता में घुसा हुआ है ना। हाँ। अच्छा अच्छा ये छाता में ना। हाँ। छाता इसमें तो सांप अभी तक देखा नहीं गया है। चलिए ये छाता यहाँ रखते हैं, शायद काला छाता में। अरे ये तो स्पेक्टिकल कोबरा का बच्चा है। चलिए हम बाहर दिखलाएंगे, आइए। ये स्पेक्टिकल कोबरा, इस सांप का नाम है गेहुआन और हिंदी में क्या बोलते हैं, खरीस सांप। ये स्पेक्टिकल कोबरा, बहुत अच्छा काम है कि आप लोग हमें सूचना दिए हैं और सूचना के आधार पर हम आपके यहाँ आए हैं। अगर आपका गलती से इसके ऊपर पैर दब जाए तो ये काट लेगा, ऐसे सांप जल्दी काटता नहीं है। लोगों के सूचना पर घर, दफ्तर, दुकान, मकान, कुआं में गिर जाए, मछली के जाल में फंस जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन, अदरवाइज इको फ्रेंड। किसी भी इंसान को अगर सांप काट ले तो आप सीधे सरकारी अस्पताल जाइए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन है, एंटी वेनम सीरम है, जिससे इंसान को बचाया जा सकता है। अदरवाइज ओझा गुनी के चक्कर में न रहे, नहीं तो मारा जाइएगा। सांपों को पर्यावरण के अंदर बचे रहना बहुत बड़ा बात है। और ये हमारा भालका ग्राम, निरसा विधानसभा और धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये रेस्क्यू किया जा रहा है। पुनर्वास हेतु इसे पंचित पहाड़ में छोड़ दिया जाएगा। बहुत ही सुंदर सांप है, सांप को बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा। ये चूहा का तलाश में आपके घर में आ गया था।